इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 जून 2020 को पढ़ने जा रहे चंद्र ग्रहण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, यह चंद्र ग्रहण 5 जून 2020 को पढ़ने वाला है, लेकिन इस चंद्र ग्रहण का कोई भी यम नियम सूतक इत्यादि भारत के अंदर मान्य नहीं होगा, किंतु चंद्र ग्रहण तो पड़ेगा ही। और ऐसे चंद्र ग्रहण के अंदर हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, इस पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए, दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को हमें खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, लेकिन चंद्र ग्रहण को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि उसकी किरणें हमारी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और यदि आप ज्योतिष और धर्म में विश्वास रखते हैं तो चंद्र ग्रहण को देखने से आपको बचना चाहिए। उसका कारण क्या है, ये समझ लीजिए। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। चंद्र ग्रहण दिल, दिमाग और मन पर असर करता है। जैसे ज्वार भाटा को चंद्र ग्रहण प्रभावित करता है, उसी तरह भावनाओं के ज्वार पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है चंद्रमा मन सो जा तो चंद्रमा मन का कारक है, हमारे विचारों का कारक है। और जब चंद्र पर ही ग्रहण लग रहा है तो ऐसे में आपको चंद्र ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के देखने के बाद और ग्रहण के दौरान आप उद्विग्न हो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं या क्रोधित हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण देखने से सिर में भारीपन महसूस हो सकता है आपको। मानसिक बीमारियों से जो लोग ग्रस्त हैं, उन व्यक्तियों को तो चंद्र ग्रहण देखना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आप बहुत भावुक किस्म के व्यक्ति हैं तो भी चंद्र ग्रहण देखने से आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आ सकता है। चंद्र ग्रहण का अगर आपकी राशि के लिए अशुभ प्रभाव बताया जा रहा है, फिर तो आपको किसी भी कीमत पर, चाहे आप कितने भी आधुनिक क्यों ना सही, आपको चंद्र ग्रहण देखने से बचना चाहिए। क्योंकि मित्रों, चंद्र ग्रहण देखने से हमारे मन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, और हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा उथल पुथल होने लगती है। जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है या जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है, उनको तो चंद्र ग्रहण देखना ही नहीं चाहिए। ऐसे में हम आपको एक उपाय बताते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर स्थिति में है एवं खराब स्थिति में है, तब आप चंद्र ग्रहण पर इस उपाय को अवश्य करें। आप एक साफ बाल्टी जो कि स्टील की हो सकती है, उसको शुद्ध जल से भर लें और उसमें एक शंख आप बाल्टी के अंदर डुबोकर रख दें। उस पानी को आप अगले दिन स्नान करने के लिए इस्तेमाल करें। उस जल से आप नहाएं, जिससे कि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो वह दूर होगा, उसका प्रभाव खत्म होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो मित्रों, ये बहुत आवश्यक जानकारी थी। इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाइए ताकि और भी लोग इससे लाभ ले सकें। हमारी और अधिक वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे यूट्यूब ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन दर्पण ज्योतिष।